तो कुछ इस तरह का होता है बड़ौदा यूपी बैंक का कैश विड्रॉल फॉर्म। तो आज से हम भरना सीखेंगे, तो चलिए भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये खाना, इसमें हम शाखा का नाम डालेंगे। जैसे कि हम मेरा शाखा गोरखपुर है, तो यहाँ पे गोरखपुर डाल दे रहे हैं। आपका जो भी शाखा हो, जो भी मतलब जिस भी ब्रांच को हो, वहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरा गोरखपुर है, तो मैं यहाँ पे गोरखपुर डाल दे रहा हूँ, गोरखपुर डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है, खाता नंबर डाल देना है। चलिए यहाँ पे खाता नंबर डाल देते हैं, जो भी है। तो 3 2 1 जल्दी से अब यहाँ पे खाता नंबर डाल देंगे हम 0 से। ठीक है, खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रुपए आपको अंकों में लिख देना है, शब्दों में लिख देना है, वर्ड्स में लिखना है आपको, वर्ड्स में लिख देना है। हिंदी इंग्लिश में आप कुछ में भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है। तो हम जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि मुझे 4000 रुपये निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4000 रुपये मात्र। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जब ताकि आप जब भी कैश निकालेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे डेमो के लिए अपने जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देते हैं नंबर, कोई भी जो भी है, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ नंबर, मेरा मोबाइल नंबर हो गया। तो यहाँ पर डाल देंगे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको पैसा निकालना है, उसको वहाँ वो अमाउंट यहाँ पे अंकों में लिख देना है, यानी नंबर्स में लिख देना है आपको यहाँ पे। जैसे मुझे क्या 4000 रुपये निकालना है, यहाँ पे 4000 रुपये नंबर्स में लिख देंगे, 4000 लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे डैश करके एक ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे, जैसे कि आज का डेट है 20 तारीख है, आज तो 20 तारीख डाल देंगे, 20 फरवरी है, 20 फरवरी टू उसके बाद 21 2021 है, तो 21 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जिसका भी अकाउंट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर लगता है। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं यहाँ पे अभिषेक डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अभिषेक डाल देंगे, अभिषेक यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर करने के बाद ठीक इसी फॉर्म के पीछे, इस फॉर्म के ठीक पीछे आपको दो बार सिग्नेचर और करने हैं, ठीक इसी के पीछे। देखिए ये फॉर्म है, आपको ठीक इसी के पीछे यहाँ पे दो बार सिग्नेचर और कर देने हैं। दो सिग्नेचर इसलिए करने हैं ताकि कभी कभी आपका सिग्नेचर मैच नहीं करता है, तो 3 सिग्नेचर हो जाएंगे तो कोई आपका मैच कर ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सिग्नेचर दो बार और कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे अभिषेक। तो कुछ इस तरह से दो बार सिग्नेचर और कर लेंगे। तो अब हमारा फॉर्म पूरी तरह से रेडी है, इसके बाद अपने आप पासबुक के साथ ले जाकर इसे बैंक में कैशियर के पास ले जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पैसे निकाल के दे देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।